दोस्तों आईपीएल 2021 के सीजन का 51वां मुकाबला खेला गया राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत के बाद आईपीएल पॉइंट टेबल में बड़े बदलाव हो चुके हैं और मुंबई इंडियंस की जीत के बाद पॉइंट टेबल में प्लेऑफ की इक्वेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी टीम कौन से स्थान पर पहुंच चुके हैं और कौन कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचे हैं, किस टीम को क्या करना पड़ेगा प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो सब मिलाकर आपको पॉइंट टेबल की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो काफी इंटरेस्टिंग यह वीडियो रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि वह कौन सी चौथी टीम रहेगी जो क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स या तो फिर मुंबई इंडियंस। चलिए बात कर लेते हैं कल के मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। और आज आपको आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा जो होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और इस मुकाबले से भी पॉइंट टेबल पर क्या फर्क पड़ेगा और इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा यह मुकाबला वह भी आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं नंबर 8 की पोजीशन की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नंबर 8 पर बने हुए हैं। उन्होंने 12 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं और 10 मैच हारे हैं, जिसके बाद उनके 10 पॉइंट हैं और यह टीम तो प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। और आज इनका बैंगलोर के साथ मुकाबले में इस टीम के पास मौका है बैंगलोर की टीम को हराकर अपने 6 पॉइंट बनाने का, और इनकी जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ज्यादा फायदा होगा और यदि बैंगलोर की टीम जीत जाते हैं तो फिर वह टॉप 2 में पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की पोजीशन की, नंबर 7 पर कल का मुकाबला हारकर राजस्थान की टीम पहुंच चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 13 मैचों में 5 जीत और 8 हार के साथ 10 पॉइंट बनाए हुए हैं और यह टीम भी अब प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक तरीके से बाहर हो चुके हैं और इस टीम का प्लेऑफ में पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है। वैसे दोस्तों आईपीएल के मुकाबलों से आप करोड़ों जीत सकते हैं एमपीएल ऐप के जरिए, बाकी के ऐप्स आपको करोड़ों जिताने का दावा करते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे रियल ऐप जो आपको लाखों तक जिता सकता है इस आईपीएल में वह है एमपीएल ऐप। इसमें सबसे कम मार्जिन है और सबसे तेज मनी ट्रांसफर है, कोई फ्रॉड नहीं है, रियल पैसा है, रियल लोग हैं और रियल विनर्स हैं। मैंने एमपीएल पर अपनी टीम बनाई थी और मैं अच्छे खासे पैसे भी जीता था और आज आप मेरी यहाँ पर टीम देख सकते हैं। आपके पास भी मौका है इस बार एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर हर दिन आईफोन जीतने का। एमपीएल पर लूट मची है और यह एक बार का ऑफर नहीं है, रोज एक आईफोन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा इसके लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और खुद देख लें कि हम सच बोल रहे हैं कि गलत। बात कर लेते हैं नंबर 6 की पोजीशन की, तो नंबर 6 की पोजीशन पर पंजाब किंग्स की टीम पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 13 मैचों में 5 जीत और 8 हार के साथ 10 पॉइंट बनाए हैं और यह टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। तो चौथे स्पॉट के लिए राजस्थान और पंजाब बाहर हो चुके हैं और लड़ाई देखने को मिलेगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। नंबर 5 की बात कर लें तो कल का मुकाबला जीतकर मुंबई इंडियंस की टीम नंबर 5 की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जो पहले नंबर 7 पर थे। उन्होंने अपने 13 मुकाबलों में 6 जीता है और 7 हारा है और उनके 12 पॉइंट बन चुके हैं और आखिरी मुकाबले में इस टीम को किसी भी तरह जीत हासिल करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इस टीम को दुआ करनी पड़ेगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला होगा उसमें राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दे। यदि राजस्थान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को नहीं हरा पाते हैं तो इनके पास एक और उपाय है कि मुंबई का जो अगला मैच होगा उसमें बड़ी मार्जिन से जीतना पड़ेगा मुंबई की टीम को, जैसे कल वह जीते थे। या तो 150 रन से मुकाबला जीतना पड़ेगा या तो 12 ओवर में टारगेट को चेस करना पड़ेगा और इतने बड़े मार्जिन से जीतना काफी मुश्किल रहेगा मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। इसलिए इस टीम को दुआ करनी पड़ेगी कि किसी भी तरह राजस्थान रॉयल्स कोलकाता को हरा दें। अब देख लेते हैं नंबर 4 की पोजीशन की, तो नंबर 4 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बने हुए हैं। इस टीम ने 13 मैच खेले हैं जिसमें से इन्होंने 6 जीत और 7 हार के साथ 12 पॉइंट बनाए हुए हैं और इस टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने आखिरी लीग मुकाबले में राजस्थान को हराना होगा। राजस्थान को हराकर यह टीम क्वालिफाई कर जाएंगे और यदि यह टीम हार जाते हैं तो फिर इन्हें मुंबई इंडियंस की हार की दुआ करनी पड़ेगी, तभी यह टीम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सब मिलाकर जो आखिरी लीग मुकाबले होंगे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की पोजीशन की, तो नंबर 3 की पोजीशन पर बैंगलोर की टीम है, जिन्होंने 12 मैचों में 8 मैच जीता है जबकि 4 मैच हारा है और उनके 16 पॉइंट बने हुए हैं और आज इस टीम के पास मौका है हैदराबाद की टीम को हराकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाने का पॉइंट टेबल में। और हैदराबाद की टीम को हराने के बाद इस टीम का लगभग टॉप 2 में स्थान फिक्स हो जाएगा और यदि वह हार जाते हैं तो इस टीम को दुआ करना पड़ेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो आखिरी मुकाबला होगा उसमें वह हार जाए। तो आज का मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की पोजीशन की, तो नंबर 2 की पोजीशन पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बने हुए हैं, जिन्होंने अपने 13 मैचों में 9 मैच जीते हैं जबकि 4 मैच हारे हैं और इनके 18 पॉइंट्स हैं और इनको अपने आखिरी मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी या तो फिर बैंगलोर की टीम की हार की दुआ करनी पड़ेगी, तभी यह टॉप 2 में काबिज रह पाएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की पोजीशन की, तो नंबर 1 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम बने हुए हैं, जिन्होंने अपने 13 मैचों में से 10 मैच जीतकर और 3 मैच हारकर 20 पॉइंट बनाए हुए हैं और यह टीम पहले से ही क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके साथ ही यह टॉप 2 की टीम
में रहने वाले हैं और यह कंफर्म हो चुका है। और अब दूसरे स्थान पर या तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स रहेंगे या तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रहेंगे। तो यह मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले के बाद अपडेटेड पॉइंट टेबल था। ऐसे ही मजेदार कॉन्टेंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने MPL का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और IPL में iPhone जीतने का मौका मिस ना करें। तो हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।